इमरान खान के वकील अजहर सिद्दीक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि अगर इमरान खान आज अदालत में पेश नहीं होते तो फिर क्या अदालत का मूड नजर आ रहा है। जी बताइए। देखिए, एक बात तो बड़ी वाजी है, पूरी कोशिश होगी हमारी। डॉक्टर ने इजाज़त दे दी, आप पार्टी लीडरशिप ने फैसला कर लिया कि इमरान खान साहब की जान पर रिस्क नहीं लिया जा सकता, तो ज़रूर पेश होंगे। नहीं अगर इजाज़त मिली तो फिर हम अदालत से गुजारिश करेंगे, उनको हाजिरी से सस्ना दे दिया जाए, और अगर फिर अदालत समझती है कि नहीं, फिर हम फिर बहस करेंगे मेरिट पे। उम्मीद है कि अदालत इंसाफ करेगी। अगर आज जमानत नहीं होती, अगर इमरान खान नहीं पेश होते तो फिर जमानत खारिज हो जाएगी, तो फिर किसी और अदालत की तरफ रुजू किया जाएगा। ये है हिफाजती जमानत, है प्रोटेक्टिव बेल है। जमानत तो कबल गिरफ्तारी इस्लामाबाद से होनी है। इस्लामाबाद की हालांकि अदालत का दायरा इख्तियार नहीं है, वो पर्चा झूठा है और फ्रॉड और फ्रेब पर मबनी है, लेकिन कमाल है कि एहतजाज करना भी दहशतगर्दी कहलाएगा, ये पाकिस्तान में हो रहा है। ये थे अजहर सिद्दीक साहब, उनका ये कहना था कि हम जो है मेरिट पर बहस करेंगे और फिर अदालत का मामला है कि वो हमें बेल देती है फांसी या नहीं देती।